21 अगस्त के दिन बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया। बड़े सालों के बाद टीम इंडिया अपने सभी मुख्य सदस्यों के साथ कोई बड़ी प्रतियोगिता खेलने जा रही है। आपको बता दें कि एशिया कप में केएल राहुल, श्रेयस अय्यर जैसे मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों की भी वापसी हो गई है। इन दोनों ही बल्लेबाजों को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई थी और अंत में दोनों फिट हुए और टीम इंडिया का हिस्सा बने। लेकिन एशिया कप के लिए एक दिग्गज गेंदबाज को टीम से बाहर कर दिया गया। दिग्गज गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं। ये देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ी प्रतियोगिता आती है उससे पहले युजवेंद्र चहल का टीम से पत्ता कट जाता है। एशिया कप में भी यही देखा गया, जहां कुलदीप यादव को टीम में मौका तो मिला लेकिन युजवेंद्र चहल टीम से बाहर रहे। इस पर उनका रिएक्शन भी सामने आया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक बादल और एक सूरज की इमोजी शेयर किया और इससे साफ झलक रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि सूरज एक बार फिर से उगेगा। अब युजवेंद्र चहल पर बात करते हुए भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने युजवेंद्र चहल के टीम इंडिया में ना चुने जाने की वजह बताई है। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए सुनील गावस्कर ने युजवेंद्र चहल को टीम में ना लेने की एक बड़ी वजह बताई है। युजवेंद्र चहल का चयन नहीं होने की वजह गेंदबाजी के अलावा वो बल्लेबाजी में टीम के लिए असरदार साबित नहीं होना है। कुलदीप यादव युजवेंद्र चहल की तुलना में नीचे आकर बेहतर बल्लेबाजी कर सकती हैं। कुलदीप यादव निचले क्रम में चहल से बेहतर बल्लेबाज हैं और ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि उन्हें टीम में नहीं चुना गया। बहरहाल ये हर बार देखा जाता है कि बड़े इवेंट से पहले ही युजवेंद्र चहल को बाहर कर दिया जाता है और उनकी जगह किसी और गेंदबाज को मौका दिया जाता है। अब बल्लेबाजी की बात आती है तो वैसे ही इस बार इंडिया की टीम में 4 ऑलराउंडरों को शामिल किया गया है। अभी देखना होगा कि क्या इस नई रणनीति के तहत टीम इंडिया को एशिया कप में जीत मिलती है। इस खबर में इतना ही, बने रहिए वन इंडिया के साथ।